मिलेगा भाई साहब यहाँ आओगे जब, ये लेगा आपसे 20 रुपये। कार है ना उसके आगे से ले जाओ। अब 20 रुपये में भाई साहब ये आपको दे रहा, कह रहा है सिक्योरिटी कि भाई मैं पार्किंग के लिए चार्ज कर रहा हूँ। अब सबको पता यार है तो इनलीगली है, बट ठीक है कौन ही बहस करे, ठीक है क्योंकि अब सारे में लोकल हैं लोग, तो बहस करने का मतलब नहीं है। और अगर कुछ हो जाता ना मेरी बाइक को या सीट वीट को तो मैं इससे 20 रुपये वसूल भी करता। क्या मज़ेदार जगह है यार ये, सिर्फ तो यार बाइक को तो अपने नीचे पार्क कर दिया है और यही है बस जो कुछ है। क्लाउड 9 पॉइंट एक रह गया, अब जॉर्ज एवरेस्ट उसे भी पकड़ेंगे। पर यार ऐसे लग नहीं रहा इतना ज़बरदस्त, ऊपर जाके देखते हैं अगर कुछ मज़ेदार रहता है तो। अभी पलट जाता है यार बंदा, पहाड़ी लड़के गाने चला के जाएं जाएं लगे हुए हैं। और भाई साहब खैर अच्छा यार, सिर्फ इस मूड से आना है ना, अगर आपने 4-5 दोस्त हैं आके नाचना वोचना है दबा के फ़ोटो खिंचानी है, मेरा खुद का बड़ा मन है फ़ोटो खिंचाने का, पर कोई है ही नहीं बंदा जो खींच देगा। ये सब जितनी जनता बैठी है ना पी के बैठी है, तो इनसे कहने का तो मतलब बनता नहीं है। ओ तो यार इस चीज़ के लिए आ रहे हैं लोग यहाँ पे, है तो मज़ेदार है यार ऐसे। और ये देखो कमाल कर रहे हैं बंदे। और यार इवन अगर आपका मन हो यहाँ पे आके कैंपिंग करने का, काफ़ी लोग होते हैं उन्हें ऐसी जगहों पे आके नेचर फ्रेंडली रहते हैं कैंपिंग करने का बड़ा शौक होता है, तो ये भाई यहाँ पे शॉप वाले हैं, यहाँ पे आके आप कैंपिंग कर सकते हो। 1500 रुपये पर हेड है, खाना पीना रहना कैंप शैम्प सब इनका है, ट्राई कर सकते हो अगर दिल करता है तो। वैसे मैंने एक चाय ऑर्डर करी है यहाँ पे, तो अभी भाई ने एक चाय बना दी है कि नहीं पूछता हूँ। बना दी भाई चाय? तो यार गरीब मार हो गई, इसका हुक टूट गया यार, ये जैसे इस साइड पे ये लॉक है ना, इस साइड से ये टूट चुका है। अब ये डर लग रहा है यार इसमें कैमरा लगाया जाए कि नहीं। यार भाई ने दिल खुश कर दिया यार इससे, भाई से अपा ने लिए भी एक पानी की बोतल और एक चाय और एक नमकीन का पैकेट, और भाई ने सिर्फ 50 रुपये लिए। यार बड़ा हैरान हो गया मैं कि भी इतना रेट तो नीचे भी नहीं है, बढ़िया यार भाई। अगर इस पॉइंट पे आ रहे हो क्या ये क्लाउड एंड्स, ज़रूर भाई के पास ही यार, नीचे से लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं जब सब कुछ यहीं अवेलेबल है। और ये खड़ा है अपना लोहे का घोड़ा, अभी आंटी बैठी थी इस पे, एक पंजाब से थे बेचारे, बैठने लगी आंटी टेढ़ी होगी, मैंने कहा पलट जाएगी। तो अभी चलते हैं जॉर्ज एवरेस्ट, वो रह गया, उसके बाद बस मंसूरी लेके, मंसूरी लेक कल जाएंगे यार और फिर वहीं से निकल जाएंगे, तो एक दिन में भी जा सकता हूँ वैसे, मैं भी जाके देखता हूँ अगर तो जा सका तो अभी, नहीं तो फिर कल। तो यार ये आज अपन ने ना ये तिब्बतियों वाला बाइक पे लगाया, अब पता नहीं कैसा लग रहा होगा, वैसे तो मेरे को तो सही लग रहा है, आप भी बताना यार सही लग रहा है कि नहीं। और अब अपन मुड़ गए यार जॉर्ज एवरेस्ट, मतलब माउंट एवरेस्ट स्विफ्ट वालों एडवोकेट बाबू यार ये क्या है भाई, बवाल भाई, जरा सी गलती और पलट जाएगी मुर्गी सी मेरी। उत्तराखंड पुलिस भी है यार इधर को, भाई पत्थर पत्थर बड़े भयंकर हैं, ये तो छोटा सा स्विट्जरलैंड लग रहा है। ओहो यार क्या मामला है भाई, रास्ता ही नहीं है यार, वापस चढ़ भी जाएगी कि नहीं। नो एंट्री प्राइवेट प्रॉपर्टी लेपर्ड लॉज, बल्ले बल्ले ये कुछ लग रहा है यार, ए लग इला इला कोपचे में लगवा दिए मेरे भाई ने, अब ये भी पैसे मांगेगा यार, सभी पैसे मांग रहे हैं। तो यार ये जॉर्ज एवरेस्ट पता नहीं कहाँ मिलेगा, पर ये पार्किंग इसकी यहाँ पे है, और ये खाने पीने के सिस्टम और दुनिया भर के बोर्ड लगाए हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी के इन्होंने, अब पता नहीं प्राइवेट प्रॉपर्टियाँ कितने की जुड़ी हुई हैं यहाँ पे, पर ये सारे पॉइंट हर जगह मिल जाएंगे।
जहाँ पे महफिलें लगी रहती हैं लोगों की। और मेरे दो भाई साहब देख लो कितनी मेहनत चल रही है, सुबह से लगे हैं 9 बजे से। तो यार इस बात पे एक लाइक, और नए हो तो सब्सक्राइब, और बेल आइकन मस्ट है यार। पीछे ना मैंने कम से कम खुद के दोस्तों को 17-18 को देखा, सब्सक्राइब किया बट बेल आइकन नहीं प्रेस किया। भाई वो जो घंटा है ना वो दबाने का है। बाय द वे 50 रुपये की पार्किंग पर्ची भी है, उसे मत भूल जाना। 1200 मीटर की क्लाइम है, नीचे से ट्रैक है सॉरी, और चलते हुए ऐसा लग रहा है 12 किलोमीटर हो। अच्छा हुआ भाई साहब कुछ गलत नहीं खा रहा हूँ, सुबह सिर्फ एक आलू का परौंठा और चाय, अभी भी एक चाय दबा के पानी, क्योंकि ओवर ईटिंग करोगे ना तो हिल स्टेशंस पे पता है ना क्या हो जाएगा। हाँ बहुत ही बुरा रास्ता आ गया यार, सोचा कुछ और था, निकला कुछ और है, और आगे तो पता नहीं और क्या निकल जाए। तो भाई शॉर्टकट बता रहा था यार, इन्होंने एक सड़क और तो नहीं खोद दिया। कहाँ से चढ़ाएं यार, अगर रात को आना पड़ जाए ना इधर को तो लाश ही जाएगी, बंदा नहीं जाएगा। वे यार आज फिर फंस गया मैं यार, 1200 मीटर समझ के। अरे यार कहाँ चढ़ाए हैं, और अभी तो ये पॉइंट और वो एज पे जाना अभी, और समझ नहीं आ रहा है पहुँच भी पाएंगे कि नहीं। भाई साहब लग रहा है चंबल की घाटियों में आ गया, तो रास्ते ही ख़त्म हो गए यार आज फिर। यार हर बार बिना जानकारी के चढ़ जाता हूँ और फिर ओए ओए बोलने के लिए भी 10 मिनट चाहिए अभी। ओह पता लग रहा है यार पहुँच जाएंगे। भाई साहब तो रियल ट्रैकिंग होगी यार, भाई साहब जब इतने पंगे ले ही लिए ना तो छोड़ेंगे से भी नहीं। अब वैसे तो ये ऐसा कोई सीधा ही पहाड़ है, पर दबका ना जल लग जाए भाई, कह रहा दबका लग रहा है। चलो भाई साहब सीधा ही पहाड़ था यार। अबे अब वहाँ चढ़ गए, वहाँ कैसे चढ़ूंगा यार। यार ये लास्ट ट्राई है, अब बाकी तो सारे जीत आए, और अब फिर वैसे ही मामला ये तो। इससे भी ऊपर है क्या भाई कुछ, इससे ऊपर कहाँ जाने का रहता है। बस फिर शुक्र है, बस इससे ऊपर तो फिर 4 बंदों को इकट्ठा करना पड़ेगा। सो यार यही है मंसूरी का सबसे टॉप पॉइंट ना, जॉर्ज एवरेस्ट करके, और तिरंगा बड़ा सुंदर लग रहा है यार, हाइट पे है। और यहाँ से मंसूरी का नज़ारा कुछ ऐसा है, हालत ख़राब हो गई है यार चढ़ चढ़ के, पर यहाँ आके वर्थ इट है, ज़बरदस्त लग रहा है यार तिरंगा। अगर मंसूरी आओ तो डेफिनेटली आना चाहिए यार, क्योंकि एक तो हाइट पे तो चलो है ही है, ट्रैक करके तो आओगे आओगे, पर इस हाइट पे तिरंगे को देख के बड़ी खुशी होती है। मतलब मैंने अपनी लाइफ का फर्स्ट टाइम देखा इतनी हाइट पर आके तिरंगा, वैसे तो बहुत सारी जगह लगा होगा, और कोशिश करूँगा यार कि भी हर जगह जाके एटलीस्ट एक पिक्चर तो क्लिक करी जाए कुछ ऐसी।
तो यार अगर किसी और को पता भी इतनी हिल पे जाके ट्रैकिंग पे कहाँ तिरंगा लगा है ना, तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना, ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। एक्सपीरियंस नहीं था वैसे, मैं सोच रहा था अकेला आऊँगा तो बोर हो जाऊँगा, बट बहुत सारे भाई मिले हैं नए नए, अब देखते हैं नेक्स्ट राइड के लिए प्लान कर रहे हैं। तो ओहो, तो यार फाइनली अब डिसाइड कर ही लिया मैंने, कहा यार रात को भी यहाँ रुक के क्या ही करूँगा मैं, मेरा दिल ही नहीं लग रहा क्योंकि है कुछ नहीं यार यहाँ करने के लिए। और फिर मैंने सोचा यार कल मुझे एक काम भी है, पहले मैं उसे पोस्टपोन कर रहा था, बट अब जब फ्री हो ही गया हूँ तो यार ठीक है ना, काम भी निपटा लेंगे। क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से बात की तो ऐसे मंसूरी लेक में कुछ खास नहीं है, बस कपल्स के लिए ठीक है। हाँ अगर आप कपल हो देन आपको वहाँ जाना चाहिए, और वहाँ पे बस टाइम स्पेंड करने की चीज़ है और कुछ भी नहीं है। तो पहले तो यार तेल डलवाना है उसमें, भाई साहब रिजर्व लगा हुआ है काफ़ी देर से, और मुझे डर है कि ये रिजर्व कहीं मुझे ही ना रिजर्व कर दे और मैं बिल्कुल ना। ओह ये रहा तेल पंप यार, पहले तेल डलवा लेता हूँ। और हिट जाओ फुल कर दो सर इसे। तो यार फाइनली अब उधर से तो मैं निकल आया था हॉस्टल से, पर बहुत बड़ी गलती करी यार, नहीं निकलना चाहिए था मुझे इस टाइम पे। 8 बजे मैं निकला हूँ और अभी बजे हैं कोई 10, और 10 बजे हालत ख़राब हो गई है। अभी कहीं पहुँचा हूँ मैं, अराउंड नाहन के आसपास हूँ यार, क्योंकि तो चाय पीने के लिए रुक गया क्योंकि तो अब यहाँ से मुझे तो लगता नहीं और कोई अभी यहाँ पे वे आउट मिलेगा मुझे, क्योंकि तो रास्ता ऑलमोस्ट सारा ही ऐसा झंडी है। तो अब बस, और यार भाई फट गया लिटरली यार, पीछे 20 किलोमीटर का पैच ऐसा आया है, मैं कैमरा भी नहीं ऑन कर सका, इतना डर गया था। तो अब बस गलती तो हो गई है, बट आप लोग बिल्कुल मत गलती करना यार, अगर कभी भी इस रूट से निकल रहे हो ना, मंसूरी देहरादून या ऋषिकेश, और आपको जाना चंडीगढ़ वाले रूट पे, तो कभी भी मत निकलना गलती से भी। सो वेलकम बैक टू चैनल एंड आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो ये वेलकम दोबारा इसलिए हो रहा है क्योंकि रात को यार पूरा आउट था, रात को समझ ही नहीं आ रही थी क्या करूँ, इतना थक गया था ना बुरी तरह से। और भाई साहब मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी कि आप फट गए रास्ते में, तो यार उस रास्ते में दोबारा कभी अकेले ट्रैवल मत करना, अगर कोई मजबूरी बिल्कुल ही गुजारा नहीं चल रहा तब की बात अलग है, अदरवाइज कहीं स्टे करो यार, वो रास्ता अकेले ट्रैवल करने वाला नहीं है, सोलो के लिए बिल्कुल नहीं है। रात को लिटरली अगर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो कोई नहीं है वहाँ पे हेल्प करने के लिए। सो एनीवेज यार कब वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, अभी घर पहुँच गया था रात को, तो थका था पूरी तरह से इसीलिए रात को वीडियो एंड ही नहीं किया। तो अभी क्या है, अभी अपन ने प्लान किया एक नया इंटरनेशनल ट्रिप का, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड बेल आइकन यार इतना मस्ट है, बट उसका ना पता नहीं लग रहा। मैंने कल भी ना मतलब कल नहीं सॉरी जाने से एक दिन पहले मैंने देखा बेल आइकन को, यार लोग प्रेस नहीं कर रहे, मेरे खुद के फ्रेंड्स नहीं प्रेस कर रहे, उन्हें पता ही नहीं है कि भी हाँ नोटिफिकेशन ऑन करना है। यार अगर नोटिफिकेशन ऑन नहीं करोगे तो पता नहीं चलने वाला है भाई बिल्कुल भी नेक्स्ट वीडियो का, और नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जर्नी के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब, एंड वीडियो अगर यहाँ तक देख लिया है तो डेफिनेटली लाइक डिसलाइक कुछ भी करो यार, कमेंट करो बट करो ज़रूर, और अगली वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब। Until then, take care. Bye-bye.